मैं दीपिका पुष्कर नाथ, स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रिसाइसली वी आर डिमांडिंग रिलोकेशन पॉलिसी, वी आर डिमांडिंग प्रोटेक्शन, वी आर डिमांडिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, दोज हु आर वर्किंग इन कश्मीर अंडर पीएम्स रिहैबिलिटेशन पैकेज। आप सबको पता होगा, हाल ही में टीआरएफ ने एक थर्ड लिस्ट जारी की है जिसमें कश्मीरी पंडित्स के नाम है और थ्रेटन किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित्स विल बी किल्ड। A moot question before everyone today herein is, what are the measures with UT administration with regard to the protection of Kashmiri Pandits, with regard to the protection of those Kashmiri Pandits who are working in Kashmir under PM's rehabilitation package, in view wherein the TRF has recently come up with a list jahan par TRF ne publicly dalalon se dhamki di hai ki Kashmiri Pandit jo ki Kashmir mein kaam kar rahe hain unki target killing ki ja rahi hai। ऐसी सिचुएशन में जहां पर ऐसी एक ग्रेव जो सिचुएशन बनी हुई है, एक सीरियस सिचुएशन है जहां पर धड़ल्ले से कश्मीरी पंडितों के नाम जो है वो जारी किए गए हैं एक लिस्ट में, क्या है मेजर्स भारतीय जनता पार्टी के पास या क्या है मेजर्स यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जहां पर कश्मीरी पंडितों की लाइफ जो है वो इंश्योर होती है। अपने आप में एक बहुत संजीदा मसला है, अपने आप में एक बहुत ग्रेव इश्यू है जो कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हैज मिजरेबली फेल्ड इन एड्रेसिंग, मिजरेबली फेल्ड इन एड्रेसिंग। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए पूरा मैकेनिज्म को यूज कर लेते हैं, बट वहीं पर एक कश्मीरी पंडित जिसका दर्द उस फिल्म में बेचा गया, जिसके दर्द को मोनिटाइज किया गया, जिसके दर्द पर लोगों ने अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी, आज वही कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए आवाज उठा रहा है। आज वही कश्मीरी पंडित पिछले 7 महीने से सड़क पे खड़ा है। वही कश्मीरी पंडित एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहा है, रिलोकेशन मांग रहा है। बट बदकिस्मती यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी जीत के झूठे परचम लहराती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास एक मेजर नहीं है, एक ब्लूप्रिंट नहीं है, एक्चुअली दर्द फील नहीं कर सकती कश्मीरी पंडित्स का। तो आज जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिर से डिमांड करती है कि कश्मीरी पंडित्स को रिलोकेट किया जाए सेफर जगह पे, जम्मू में रिलोकेट किया जाए, एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए ताकि कश्मीरी पंडित्स की जिंदगियां जो है, सो दैट देयर लाइव्स आर प्रोटेक्टेड। एंड मुझे लगता है नथिंग इज मोर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नथिंग इज मोर देन अ फंडामेंटल राइट। और एक ट्रांसफर पॉलिसी लाना जो है वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि एंड आई मस्ट से वन थिंग हियर दैट भारतीय जनता पार्टी जो आपने भी देखा कैसे वो अपने झूठे परचम लहरा रही है, रादर फॉल्स क्लेम्स कर रही है कि कश्मीर में जो है वो नॉर्मलसी आ गई है आफ्टर एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। वही भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अगर कश्मीरी पंडित्स के लिए एक रिलोकेशन पॉलिसी लाती है या फिर एक ट्रांसफर पॉलिसी लाती है तो मुझे लगता है उनका झूठ का पिटारा जो है वो फूट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको लगता है कि अगर हम कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स को जम्मू में वापस लाएंगे, रिलोकेट करेंगे, तो उनका झूठ जो है वो फूट जाएगा। देन इट विल बी सीन कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इज लाइंग, देयर इज नो नॉर्मल सी इन कश्मीर। सो कश्मीरी पंडित्स के खून से होली नहीं, कश्मीरी पंडित के दर्द को बेचना नहीं। लेट भारतीय जनता पार्टी, इफ दे फील फॉर कश्मीरी पंडित, लेट अ ट्रांसफर पॉलिसी बी देयर एंड वी डिमांड इट।